होगा, कैसे विकास करेगा, ये तो वापिस को आएगा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक चीज आ गई इंडिया में, खासकर हिमाचल में भी ड्रग के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, और जो ड्रग पेडलर्स है वो बहुत पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी नाहन में 25 लाख रुपए, बाप के पास बेटा भी करता है उसका पोता भी करता है, 25 लाख रुपए, और पोटा में 80 लाख रुपए, किसका जा रहा पैसा बेटा, माँ बाप का जा रहा है। और जब आदत पड़ जाती है बच्चा क्या करता है, माँ बाप से लड़ता है, जबरदस्ती करेगा क्योंकि वो आदत बन चुकी है, और कई बार माँ बाप का हत्या भी कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं क्या हो रहा है, उसको तो चाहिए। इसलिए आस पास का माहौल अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से कोई है, आप हमें बताइए, हम आपका नाम नहीं बताएंगे, छुपा देंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे, उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ये सख्त आदेश आए हुए कि अगर आपके चारों तरफ 200 मीटर के दायरे में अगर कोई दुकानदार किसी प्रकार इस तरह की जो ड्रग की जो ये सप्लाई करता है या स्मोकिंग का कार्य करता है, तो प्लीज आप बच्चे हमारे पास इसको बता दें, हम तुरंत ही उस पर एक्शन लेंगे। हमारे पास ड्रग एब्यूज जो कमेटी बनी हुई है और पुलिस प्रशासन भी बड़ा सख्त है इस बारे में, पूरा देश में हमारी से जूझ रहा है, तो आज हम सब इसकी प्लेज लेंगे। आप सब लोग जो ड्रग की जो प्लेज है बेटा वो पीछे से बोलोगे और मैं आगे से बोलूंगा बेटा, ठीक है, चलो। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं, तथा युवाओं की शक्ति समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े, देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि ना केवल समुदाय परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले राज्य हिमाचल को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त कराने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू बेटे।